तीन बातें हमेशा याद रखें। नंबर वन, प्यार हो या पैसा किसी के आगे भीख मत मांगना। नंबर टू, अपने माँ बाप के अलावा इस धोखेबाज दुनिया में किसी पर भरोसा मत करना। नंबर थ्री, इंतजार करना बंद करो जितना तुम सोचते हो, जिंदगी उससे कई ज्यादा तेजी से निकल रही है। तो ऐसी वीडियो आप अपने मोबाइल से मात्र 10 मिनट में बना सकते हैं। AI से ऑडियो बनाने से लेकर वीडियो बनाने तक का पूरा प्रोसेस आप इस वीडियो में जान जाएंगे। तो सबसे पहले हमें AI से ऑडियो बनाना होगा। तो ऑडियो बनाने के लिए आपको स्क्रिप्ट लिख लेनी है। स्क्रिप्ट लिखने के लिए आप ChatGPT का भी यूज़ कर सकते हैं। तो उस स्क्रिप्ट को आपको ऑडियो में बदलना होगा। तो ऑडियो में बदलने के लिए आपको क्रोम ब्राउज़र में सर्च करना है micmonster.com। तो आपके सामने ये वेबसाइट आ जाएगी। सबसे पहले आपको यहाँ पे हिंदी लैंग्वेज सिलेक्ट कर लेनी है। तो हिंदी लैंग्वेज में आपको यहाँ पे दो वॉइस सैंपल मिल जाएंगे। आपको जो भी वॉइस सैंपल अच्छा लगे वो वॉइस आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेनी है, ठीक है। इसके बाद आपको यहाँ पे अपनी स्क्रिप्ट कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देनी है। बट यहाँ पे 300 करेक्टर की लिमिट रखी गई है। आप यहाँ पे एक बारी में 300 करेक्टर तक यहाँ पे पेस्ट करके यहाँ पे ऑडियो बना सकते हैं। ऑडियो बनाने के लिए बस सिंपल है, आप यहाँ पे स्क्रिप्ट को पेस्ट करने के बाद जनरेट पे क्लिक करेंगे तो आपकी स्क्रिप्ट यहाँ पे ऑडियो में बन जाएगी। तो आप यहाँ पे इसे सुनकर भी देख सकते हैं। जिंदगी के सफर में एक ऐसी कहानी थी। इसके बाद आपको यहाँ पे डाउनलोड पे क्लिक कर देना है तो आपकी ये ऑडियो डाउनलोड हो जाएगी। अभी आप यहाँ पे बहकाएंगे और जो आगे की स्क्रिप्ट थी आप उसे यहाँ पे कॉपी करेंगे और यहाँ पर आपको पेस्ट कर देना है। इसके बाद आपको यहाँ पे जनरेट पे क्लिक कर देना है। इस ऑडियो को भी आपको यहाँ पे डाउनलोड कर लेना है। तो इसी प्रकार से आपको यहाँ पे पूरी स्क्रिप्ट को यहाँ पे ऑडियो में बना लेना है। इसके बाद आपको यहाँ पे किसी भी वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर में इन ऑडियो को मर्ज कर लेना है। तो जैसे कि मैं यहाँ पे काइनमास्टर का यूज़ करके आपको इनको मर्ज करके दिखा देता हूँ। सबसे पहले मैं यहाँ पे वाइट बैकग्राउंड सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद आपको यहाँ पे ऑडियो पे क्लिक करना है। यहाँ पर आपको फोल्डर पे क्लिक कर देना है तो वो फाइल आपके डाउनलोड के फोल्डर में मिलेगी। तो आपको यहाँ पे डाउनलोड पे क्लिक करना है। यहाँ पर आपको उन दोनों फाइल को यहाँ पे लेयर में ऐड कर लेना है, ठीक है। इसके बाद जो यहाँ पे ये ऑडियो का लास्ट पार्ट है, इसमें आप देख सकते हैं कोई भी ऑडियो नहीं है। उलझन था जहाँ पर ये ऑडियो यहाँ पे ख़त्म हो रही है उसके पीछे का पार्ट आपको ट्रिम कर देना है। तो ट्रिम करने के लिए आप ऑडियो पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे ट्रिम का ऑप्शन मिल जाएगा। आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपको ट्रिम राइट पे क्लिक कर देना है। इसी प्रकार से आपको दूसरे ऑडियो का पार्ट भी यहाँ पे राइट साइड से ट्रिम कर देना है जहाँ पर आवाज़ आपकी ख़त्म हो रही है। इसके बाद आपको यहाँ पे लास्ट में आके बैकग्राउंड पे क्लिक करना है और बैकग्राउंड को भी आपको यहाँ पे ट्रिम कर देना है, ठीक है। इसके बाद आपको इस ऑडियो को अपने मोबाइल में डाउनलोड कर लेना है। रेजोल्यूशन में आप यहाँ पे 360 सिलेक्ट करेंगे। फ्रेम रेट आपको 30 रखना है। बिट रेट आपको यहाँ पे कम से कम 2 MBPS सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आपको इस वीडियो को अपने मोबाइल में सेव कर लेना है, ठीक है। तो अभी हमने AI के थ्रू ऑडियो तो बना लिया, अभी हमने इस ऑडियो को वीडियो में लाना होगा। इसके लिए आपको क्रोम ब्राउज़र में सर्च करना है एंडोब एक्सप्रेस एनिमेट फ्रॉम ऑडियो। जैसे आप इसे लिख के सर्च करेंगे तो आपके सामने ये वेबसाइट आ जाएगी। इस वेबसाइट को आप यहाँ पे ओपन करेंगे तो यहाँ पर आपको कुछ एनिमेशन करेक्टर मिल जाएंगे। आपको जो भी करेक्टर पसंद आए आप उस करेक्टर को यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर कुछ कैटेगरी भी मिल जाती है, आप कैटेगरी वाइज भी यहाँ पे करेक्टर को सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि मैं इस करेक्टर को यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसका साइज़ भी आप यहाँ से इस प्रकार से छोटा बड़ा कर सकते हैं। जैसे कि इस करेक्टर को मैं यहाँ पे फ्रेम में रख लेता हूँ। इसके बाद आता है यहाँ पे बैकग्राउंड का ऑप्शन। जैसे ही आप यहाँ पे बैकग्राउंड पे क्लिक करेंगे तो आपको इस करेक्टर के बैकग्राउंड में क्या रखना है वो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको काफ़ी बैकग्राउंड मिल जाते हैं। आप चाहे तो गैलरी में से भी कोई बैकग्राउंड यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। और इसके बाद आता है यहाँ पे साइज़। आपको ये वीडियो बना के कहाँ पर अपलोड करनी है उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे साइज सिलेक्ट कर लेना है। अगर आपको रील्स पर ये वीडियो अपलोड करनी है तो आपको यहाँ पे स्टोरी रील्स के ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। तो चलिए अब इस करेक्टर को मैं यहाँ पे एडजस्ट कर लेता हूँ। ओके, हो चुका है यहाँ पे। आप चाहे तो यहाँ पे ऑडियो भी रिकॉर्ड कर सकते हैं, बट हमने ऑडियो पहले AI के थ्रू जनरेट कर लिया है तो बस हमें उस ऑडियो को यहाँ पे अपलोड करना होगा। तो अपलोड करने के लिए आप यहाँ पे चूज ऑडियो फाइल पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको इन परमिशन को अलाउ करना है।
इसके बाद आपको यहाँ पे फाइल्स पे क्लिक कर देना है। तो जो भी फाइल आपने काइंड मास्टर से एक्सपोर्ट की थी वो फाइल आपको यहाँ पे सबसे ऊपर की तरफ शो हो जाएगी। लेकिन अगर आपके सामने डायरेक्ट ये इंटरफेस ना आए तो आप यहाँ पे थ्री लाइन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपको रिसेंट पे क्लिक कर देना है, तो वो फाइल आपको सबसे ऊपर की तरफ शो हो जाएगी। लेकिन अगर आप इस करेक्टर में अपनी वॉइस देना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको ऑडियो रिकॉर्ड कर लेनी है। इसके बाद आपको यहाँ पे ऑडियो पे क्लिक करना है, तो ऑडियो के सेक्शन में आपकी रिकॉर्ड की गई फाइल मिल जाएगी, ठीक है, तो आपको उसे सिलेक्ट कर लेना है। तो चलिए हम यहाँ पे काइंड मास्टर से एक्सपोर्ट की गई वीडियो को यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं। जैसे ही आप उस फाइल को सिलेक्ट करेंगे तो इस करेक्टर के साथ वो वॉइस यहाँ पे रिकॉग्नाइज होने लग जाएगी। तो देख सकते हैं हमारी वीडियो यहाँ पे रेडी हो चुकी है। मैं आपको इसे यहाँ पे थोड़ा सा प्ले करके दिखा देता हूँ। जिंदगी के सफर में एक ऐसी कहानी थी। तो इस वीडियो को डाउनलोड करने के लिए आप यहाँ पे डाउनलोड पे क्लिक करेंगे। तो डाउनलोड करने के लिए आपको यहाँ पे अकाउंट बनाना होगा। आपको यहाँ पे साइन अप पे क्लिक करना है। आपको यहाँ पे अपनी मेन जीमेल आईडी से अकाउंट नहीं बनाना है। आपको यहाँ पे टेम्प मेल का यूज़ करना है। आप यहाँ पे टेम्प मेल की वेबसाइट पर आएंगे, आपको जो भी ईमेल आईडी यहाँ पे मिले उस ईमेल आईडी को आपको यहाँ पे कॉपी करके यहाँ पे उसी वेबसाइट पर पेस्ट कर देना है। इसके बाद आप यहाँ पे पासवर्ड बना लीजिए। अभी आपको यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। यहाँ पर आप नाम एंटर करिए, लास्ट नेम, और आपको यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे एंटर कर देना है। कुछ भी एंटर कर दो यार, फॉर्मेलिटी करनी है। इसके बाद आपको यहाँ पे डन पे क्लिक कर देना है। तो आपका अकाउंट यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा। आपको कुछ नहीं करना है, ऑटोमेटिकली वो वीडियो यहाँ पे डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। अब दोस्तों एक बात ध्यान से सुनिए, जब आपकी ये वीडियो यहाँ से डाउनलोड हो जाए तो आपने जो अकाउंट यहाँ पे क्रिएट किया है उस अकाउंट को आपको यहाँ पे साइन आउट कर देना है। आप एक अकाउंट से एक ही वीडियो डाउनलोड कर सकती है। नेक्स्ट टाइम जब आप दूसरी वीडियो क्रिएट करेंगे उस वीडियो को डाउनलोड करने के लिए आपको दोबारा से यहाँ पे फेक अकाउंट बना लेना है टेम्प मेल का यूज़ करके, ओके। तो वीडियो डाउनलोड हो चुकी है, तो अभी आप इस वीडियो को देखिए ये वीडियो कैसी बनी है। जिंदगी के सफर में एक ऐसी कहानी थी, दिल और दर्द की गहराइयों में बसी वो कहानी थी। वो मुलाकात हुई एक बरसात की रात, आंखों में चमक, दिल में छुपा कोई साजिश का राग, डॉट उनकी आंखों में था प्यार का नशा, मेरे दिल में जवानी की लहरों का उलझन था, मगर दुनिया की साजिश ने हमें जुदा कर दिया, दिल टूट गया, ख्वाहिशों का तूफान लाया, मोहब्बत का रंग था वो समुंदर गहरा, पर वो दूर हो गया, मेरे पास रहने का अधिकार ले गया, डॉट रात दिन रोया मैं प्यार के सितम के आगे, जिंदगी का हर लम्हा था तन्हाई का साथी। तो इस प्रकार से आप सारा काम AI के थ्रू कर सकती है। स्क्रिप्ट लिखना, ऑडियो बनाना, वीडियो बनाना, A to Z सब कुछ काम आपका AI कर देगा। तो कैसी लगी ये जानकारी कमेंट करके जरूर बताना। इसके बाद भी अगर आपका कोई सवाल, कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं।